नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बड़े अधिकारी की बात, बड़े पद की बात, आईएएस और पीसीएस तक अगर ऐसा चिन्ह आपके हाथ में है तो आप जीवन में अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये हृदय रेखा। हृदय रेखा एक दूसरे के संबंध के बारे में बताती है। आज सबसे पहले मैंने बात की है ताकत की, पावर की, अथॉरिटी की। अथॉरिटी रखने वाला व्यक्ति बड़े उच्च पद को प्राप्त करता है, कहते जीवन में एक अंक को हासिल करता है। अगर जीवन में देखें वो चिन्ह कौन से है जो आपको बड़ी पोस्ट तक लेके जाते हैं, मरकरी की फिंगर जो हमारी बुद्ध की रेखा है ये बड़ी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे लोग अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। और सन की जो फिंगर है बड़ी तो हो लेकिन इसमें पावर हो। पावर कैसी हो? सूरज की रेखा बड़ी होने का हिम्मती स्वभाव को बताती है, हिम्मती ताकत को दिखाती है। और जब भी सरकारी की बात आएगी, जब भी सरकार के साथ जुड़ने की बात होगी तो यहां पर एक फिर साइन अवश्य होनी चाहिए, यहां पे एक फिर साइन अवश्य होनी चाहिए। ये फिर साइन पहला पड़ाव है जीवन का जो कि आपको सरकारी के साथ जोड़ती है, सरकार के साथ जोड़ती है। और इस सन की फिंगर, सन का माउंट उठा हो, पावर में हो, ताकत लिए हुए हो, और इसके ऊपर एक खड़ी रेखा इंडिकेशन करती है कि इशारा करती है कि जीवन में एक सफलता आपको मिलने वाली है। और इसी के सूर्य पर्वत के नीचे कहीं ना कहीं एक फिर साइन अवश्य होनी चाहिए, फिर साइन अवश्य होनी चाहिए। और इसके साथ जब भी हम बड़ी पोस्ट की बात करेंगे, अथॉरिटी की बात करेंगे, यहां पर एक वर्गाकार अवश्य होना चाहिए। ये वर्गाकार वर्गाकार बड़े पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर एक ज्ञान रेखा कहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जीवन में, दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, तेज दिमाग के होते हैं, तेज बुद्धि के होते हैं। और जो दूसरी साइन है वो गुरु के माउंट के ऊपर एक यहां पर ट्रायंगल होना चाहिए। ये ट्रायंगल पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। और जब बड़ी पोस्ट की बात होगी तो एक इंडिकेशन सन का कनेक्शन कहीं ना कहीं गुरु के साथ जुड़ना चाहिए, बड़ी पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। चाहे ये गुरु की फिंगर के साथ जुड़ जाए या गुरु के पर्वत के साथ मिल जाए, और यहां पर भी एक फिस की साइन होना जरूरी है, ये फिस साइन। और यहां का कनेक्शन गुरु के पर्वत के पास जाए, ये बड़ी पोस्ट को दर्शाती है। और जब भाग रेखा की बात करें, भाग रेखा तो कहीं से भी चले, शनि के माउंट के पास ही पहुंचे और शनि के क्षेत्र से निकले
उसको हम फेट लाइन कहते हैं, उसको भाग रेखा कहते हैं। और जब बड़ी पोस्ट की बात आती है तो जीवन में आप देखें कहीं ना कहीं एक फिश साइन शनि माउंट के पास होनी चाहिए। यह शनि माउंट के पास एक फिश साइन होना जरूरी है ये बड़ी पोस्ट के लिए। अगर ये देखें 30 साल की एज को कवर कर रही है, अगर यहां पर देखें तो 35 साल की एज को कवर कर रही है फिश साइन। अगर आपके हाथ में ऐसा है तो सरकार के साथ जुड़ेंगे, सरकारी पोस्ट में अवश्य जाएंगे और बड़ी पोस्ट को, यहां तक के ताकत वाली पोस्टें होती है, आईएएस लेवल तक की ये पोस्टें को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।